हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। थंबनेल पर आपने जो लैपटॉप्स देखे, इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में आज बातचीत होगी। तीनों लैपटॉप्स का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं, फीचर्स के बेस पे बताऊंगा कि आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप नहीं लेना चाहिए, किस लैपटॉप में किस फीचर से क्या होगा। वीडियो के लास्ट तक मैं अपना कंक्लूजन आपको दे दूंगा और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर तीनों में से किसी भी लैपटॉप में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। चलिए अब सबसे पहले इन तीनों लैपटॉप्स के प्राइस पर नज़र डाल लेते हैं, फिर हम समझेंगे इन तीनों लैपटॉप्स के स्पेसिफिकेशंस और उनके फीचर्स को समझेंगे कि कौन सा लैपटॉप ज़्यादा बेनिफिशियल है और कौन से लैपटॉप का कौन सा फीचर कम बेनिफिशियल है। तो HP Omen 15 का अगर आप प्राइस देखेंगे तो आपको 80,000 प्राइस दिखाई देगा इस लैपटॉप का। Legion 5 की मैं प्राइस की बात करूं तो 83,000 आपको इसका प्राइस दिखाई दे रहा होगा, और वहीं Asus TUF A1 5 की बात करूं तो इसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा 79,000। प्राइस की बात तो हम लोगों ने कर ली, अब इन लैपटॉप्स के बिल्ड क्वालिटी पर नज़र डाल लेते हैं, इनके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं Omen 15 से शुरू करना चाहूँगा। आप देखिए स्क्रीन के अराउंड बेजल आपको काफ़ी थिन दिखाई देंगे, इससे इस लैपटॉप का जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी इमर्सिव हो जाता है। हालांकि हमारे तीनों लैपटॉप्स में जो स्क्रीन के बेजल हैं वो काफ़ी थिन है, तो यहाँ पर ये लैपटॉप जो हैं वो काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। इनके जो तीनों ही लैपटॉप्स के जो कीबोर्ड हैं उन पर भी टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि की कैप्स जो हैं वो बड़े साइज़ के हैं, की कैप्स थोड़े छोटे साइज़ के केवल टफ में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेशली जो कीज़ छोटे साइज़ की हैं वो हैं एरो कीज़। खैर ये कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। दोस्तों डिज़ाइन तो आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं तीनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले की। सबसे अच्छी जो डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी वो है TUF A15 की डिस्प्ले। यहाँ आपको 144 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिल जाता है। 144 हर्ट्ज़ का पैनल आप जानते ही हो कि किस तरह की स्मूथनेस आपको गेमिंग के दौरान प्रोवाइड करेगा, और इस 144 हर्ट्ज़ के पैनल को आप सबसे ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो ई स्पोर्ट्स गेम्स में। इससे थोड़ा कम रिफ्रेश रेट का पैनल आपको देखने को मिलेगा Lenovo Legion 5 में, इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का पैनल देखने को मिलेगा, और सबसे कम जो रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिलेगा वो है HP Omen 15 का डिस्प्ले पैनल। HP Omen 15 में 60 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले यूज़ किया गया है। इन तीनों ही लैपटॉप्स में आपको 45% NTSC यानी कि आप मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 60% sRGB वाले डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं, और तीनों लैपटॉप्स की जो आप बोलोगे कलर रिप्रोडक्शन है या जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट एक सी आपको दिखाई देंगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर अलग अलग कंपनी जो है वो डिस्प्ले के टोन को अलग अलग कर देती है, तो यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बाकी यहाँ पर आप मान के चलो कि तीनों लैपटॉप्स के डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम हैं, क्योंकि तीनों लैपटॉप्स के जो डिस्प्ले हैं वो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं, लेकिन डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट TUF A1 5 एंड Lenovo Legion 5 का अच्छा है। अब स्क्रीन पैनल के बाद अब हम बात करते हैं इन तीनों लैपटॉप्स में यूज़ किए गए CPU की। तो CPU की अगर बात की जाए तो HP Omen 15 में आप देखेंगे Ryzen 5 4600H आपको CPU देखने को मिलेगा। Lenovo Legion 5 में आपको देखने के लिए मिलेगा Ryzen 7 CPU, Ryzen 7 4800H CPU, एंड Asus TUF A1 5 में भी आपको Ryzen 7 4800H CPU देखने को मिलेगा। तो CPU के हिसाब से देखा जाए तो TUF A1 5 एंड Lenovo Legion 5 में आपको जो है 8 कोर एंड 16 थ्रेड वाला CPU देखने को मिलेगा, वहीं HP Omen 15 में आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड वाला CPU देखने को मिलेगा। तो CPU की अगर ओवरऑल हम बात समझें तो आपको जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा HP Omen 15 में भी, क्योंकि HP Omen 15 का जो CPU है वो Ryzen 5 4600H i7 10 जनरेशन लेटेस्ट मॉडल से आप अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर ही निकल जाता है। मतलब अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा, एक i7 10 जनरेशन के लेवल की परफॉर्मेंस आपको ये जो CPU है वो प्रोवाइड कर रहा है, और इसे आप मान सकते हो कि ये जो CPU है वो एक्सेप्टेबल है 2020 में पूरी तरह से, और इसे अगर हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो 2-3 साल बाद तक भी ये जो CPU है वो अच्छा खासा काम करता रहेगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स की जो जान होती है वो होती है GPU। CPU आपका इतना होना चाहिए कि उस GPU को साथ निभा सके और मल्टीटास्किंग के लिए भी सही हो। तो यहाँ पर Ryzen 5 4600H मल्टीटास्किंग के लिए भी सही है, आप चाहे कोई भी काम करें उसमें किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर चलाएं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और GPU का साथ वो अच्छी तरह से दे पा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप Ryzen 7 के साथ ही लैपटॉप लोगे। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी समझने की ये है कि Ryzen 7 4800H Ryzen 5 4600H के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 32% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है,
तो इस एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को आप एंजॉय कर सकते हो अगर आप एक बहुत कर्री मल्टीटास्किंग करने वाले हो अपने लैपटॉप पे, या फिर आप जो है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हो, कोई तगड़े वीडियो एडिटर्स यूज़ करने वाले हो जो उस लैपटॉप की पावर को पूरा चूस लेंगे, तो ऐसे में आपका जो मल्टी कोर सीपीयू है जो राइजन 7 4800H है वो आपको थोड़ी सी एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2 कोर्स एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल रहे हैं। अदरवाइज राइजन 5 4600H भी बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। सीपीयू की बात हम लोगों ने कर ली, अब हम बात करते हैं जीपीयू की। जीपीयू को समझते हैं। HP Omen 15 में आपको मिलता है GTX 1660 Ti GPU, इसकी VRAM जो है वो है 6GB की, और वहीं आप देखेंगे Legion 5 में आपको 1650 Ti 4GB VRAM वाला GPU देखने को मिलता है, वहीं यहाँ पर Asus TUF A15 में भी आपको 1650 Ti 4GB VRAM वाला GPU देखने को मिलता है। सो, अगर GPU के बेस पर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे अच्छा GPU जो देखने को मिल रहा है वो है HP Omen 15 में। HP Omen 15 का जो GPU है वो कोई एंट्री लेवल GPU नहीं है, 1660 Ti कोई एंट्री लेवल GPU नहीं है, बल्कि ये मिड रेंज का GPU आप बोल सकते हो, जो आपको थोड़ी सी फ्यूचर प्रूफिंग भी देता है और आपको गेम्स में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है। मैंने 1660 Ti को 1650 Ti से कंपेयर किया, मैंने 6 गेम्स के FPS का डेटा उठाया, उन 6 गेम्स के FPS के डेटा का जब मैंने एवरेज निकाला तो वो एवरेज में जो डिफरेंस निकल कर आया इन दोनों लैपटॉप्स के, वो निकल कर आया अप्रॉक्सीमेटली 42%। तो यहाँ आप मान के चलो 1660 Ti अप्रॉक्सीमेटली 1650 Ti से 42% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देने वाला है, तो इतनी परफॉर्मेंस कम परफॉर्मेंस होती नहीं है। और GPU होता है किसी भी गेमिंग लैपटॉप की जान, इसी के बेस पर किसी गेमिंग लैपटॉप को हम ये बोल सकते हैं कि वो गेमिंग लैपटॉप जो है लंबे टाइम तक टिकेगा और फ्यूचर में आपका साथ निभा पाएगा, फ्यूचर में लॉन्च होने वाले गेम्स को भी वो चला पाएगा, एटलीस्ट 60 FPS पे तो चला पाएगा, जिससे कि गेम्स जो हैं वो एंजॉयबल बन जाएंगे और प्लेबल भी रहेंगे, जिन्हें आप प्ले कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तीनों लैपटॉप्स में यूज़ की गई अगर रैम की बात करें तो तीनों लैपटॉप्स में सेम स्पीड की रैम यूज़ की गई है, और इसी के साथ साथ आप इन तीनों लैपटॉप्स की जो रैम है उसको 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। हालांकि Lenovo Legion 5 एंड HP Omen 15 में तो मना किया हुआ है Lenovo और HP ने कि आप इनकी रैम को जो है 16GB से ज़्यादा अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी फोरम में कुछ लोगों ने अपग्रेड करके अपने लैपटॉप्स की रैम को ये कन्फर्म किया है कि उनके लैपटॉप में उन्होंने HP Omen 15 में 64GB तक रैम को अपग्रेड किया और प्रॉपरली HP Omen 15 काम कर रहा था। तो यहाँ आप मान के चलो कि HP Omen 15 में और Lenovo Legion 5 में दोनों में आप जो है 32GB तक रैम को अपग्रेड कर सकते हो, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, 16GB ही अच्छा खासा काम करती है, तो बहुत रेयर केस में ज़रूरत पड़ती है 16GB से ऊपर जाने की, अदरवाइज 16GB इज़ मोर देन इनफ। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की। HP Omen 15 की अगर स्टोरेज की हम बात करें तो यहाँ आपको 512GB की PCIe NVMe M.2 SSD मिलती है, और अगर आप एक और SSD लगाना चाहो तो इस लैपटॉप में आप लगा सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें Lenovo Legion 5 की, तो इसमें आपको स्टोरेज के जो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यहाँ आपको मिलती है 256GB की प्री इंस्टॉल्ड SSD, इसी के साथ मिलती है आपको एक हार्ड डिस्क ड्राइव भी, 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव। अगर आप एक और SSD इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो इनबिल्ट 1TB की हार्ड डिस्क है उसे रिमूव करना पड़ेगा। और नेक्स्ट लैपटॉप की अगर हम बात करें Asus TUF A15 की, प्रोबेबली मुझे लगता है आप इसके बारे में जानते ही होंगे, इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है 256GB की SSD, और इसी के साथ साथ मिलती है आपको 1TB की एक हार्ड डिस्क ड्राइव प्री इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पर कोई एडिशनल स्लॉट इस लैपटॉप में आपको SSD अपग्रेड करने के लिए नहीं मिलने वाला है, एक ही SSD का स्लॉट है और एक ही हार्ड डिस्क ड्राइव का स्लॉट है जिसमें कंपोनेंट्स पहले से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपने इन तीनों लैपटॉप्स के जो रैम ऑप्शंस हैं और जो स्टोरेज ऑप्शंस हैं वो समझ लिए। यहाँ पर मैं जो है पोर्ट सिलेक्शन की बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि पोर्ट सिलेक्शन इन तीनों लैपटॉप्स में काफ़ी अच्छा है, एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पोर्ट सिलेक्शन मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम बात करते हैं सीधे इन तीनों लैपटॉप में यूज़ की गई बैटरी की। बैटरी के टर्म्स में अगर आप देखें तो HP Omen 15 में आपको अप्रॉक्सीमेटली जो बैटरी देखने को मिलती है वो है 70.9 वाट आर की लिथियम आयन फास्ट चार्ज वाली बैटरी। तो यहाँ पर 6 सेल की 70.9 वाट आर की बैटरी आपको HP Omen 15 में देखने को मिल जाती है। वहीं नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें Legion की, तो यहाँ आपको 60 वाट आर की बैटरी देखने को मिल जाती है, यहाँ मेंशन तो नहीं की गई है, लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 वाट आर की बैटरी है। और वहीं Asus TUF A15 की बैटरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलती है 48 वाट आर्स की बैटरी। तो यहाँ पर इन तीनों लैपटॉप्स में जो सबसे अच्छी बैटरी यूज़ की गई है वो है HP Omen 15 की बैटरी। तो HP Omen 15
इनकी जो बैटरी है वो Asus TUF A15 की बैटरी से अप्रॉक्सीमेटली 23 वाट आवर ज़्यादा है, जो करीब 1 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा बैकअप आपको दे सकती है। और ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रह सकता है लोगों के लिए जो ज़्यादा ऐसा पोर्टेबल लैपटॉप चाहते हैं, ट्रैवल वगैरह करते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं अपने लैपटॉप को कॉलेज वगैरह में या फिर ऑफिस वगैरह में। अब लेते हैं वो सवाल शायद जिसके लिए आप इस वीडियो में रुके हुए होंगे। अब हम बात करते हैं तीनों लैपटॉप्स के थर्मल सिस्टम की। थर्मल सिस्टम अगर मैं सबसे सुपर बोलूं या सबसे अच्छा थर्मल सिस्टम बोलूं तीनों लैपटॉप में, तो आपको Lenovo Legion 5 का जो थर्मल सिस्टम है वो इन तीनों लैपटॉप में सबसे अच्छा दिखाई देगा। Legion 5 का जो थर्मल सिस्टम है बहुत औसम है, और इसी के लेवल का या फिर इससे थोड़ा सा नीचे का आप थर्मल सिस्टम बोल सकते हो HP Omen 15 का। तो HP Omen 15 का और Lenovo Legion 5 का जो थर्मल सिस्टम है वो ऑलमोस्ट आसपास है और एक्सेप्टेबल है पूरी तरह से। अब बात करते हैं Asus TUF A15 की, तो यहाँ पर इसके थर्मल सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर इसके थर्मल सिस्टम को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इसका थर्मल सिस्टम जो है वो काफ़ी गर्म है, और इसका जो थर्मल सिस्टम है वो बिल्कुल भी थ्रॉटनिंग नहीं करता है इसके CPU और GPU की। तो यहाँ पर प्रॉपरली जो है अगर आप इस लैपटॉप को चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन 79,000 के प्राइस ब्रैकेट पर आपको ये जो बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर रहा है वो अच्छी है, कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। HP Omen 15 से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो भाई HP Omen 15 से इसका GPU तो कम पावरफुल है, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन बेटर है, लेकिन थर्मल सिस्टम में HP Omen 15 जितना बेटर नहीं है। तो 80,000 में जो थोड़ा सा अच्छा लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है वो HP Omen 15 ही मेरी नज़र में है, और HP Omen 15 को ही मैं सजेस्ट करूँगा अगर किसी का बजट 80,000 है। तो वैसे तो यहाँ पर तीनों ही लैपटॉप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छा थर्मल सिस्टम Lenovo Legion 5 एंड HP Omen 15 का है। Asus TUF A15 का थर्मल सिस्टम इनके लेवल के बराबर तो नहीं है, और वैसे भी ये लैपटॉप जो है थोड़ा सा क्लोज करके बना हुआ है, आपने देखा ही होगा इसका थर्मल सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है क्योंकि इसके बॉटम पैनल में जो वेंट्स हैं वो कम हैं इस वजह से। तो आप सीधे ये समझ लेते हैं कि इन तीनों लैपटॉप्स में से कौन सा लैपटॉप आपको चूज़ करना चाहिए, किस लैपटॉप को आपको बाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको सीधे बोलूं कि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा Asus TUF A15 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना Lenovo Legion 5 में वर्थ है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर है Ryzen 7 CPU। तो Ryzen 7 CPU ही आपको दोनों ही लैपटॉप में देखने को मिलता है, टफ में भी एंड Legion में भी। तो यहाँ Ryzen 7 के लिए जो Legion 5 है उसमें आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना सही है या नहीं, तो यहाँ पर इस लैपटॉप में अगर आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके इस लैपटॉप को बाय करते हैं तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, आप इस लैपटॉप को ले सकते हो। इस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी शानदार है, ये गेमरी लुक में बिल्कुल नहीं आता है, ये प्रॉपरली प्रोफेशनल लुक है। तो आप इसे चाहे कॉलेज में यूज़ करो, चाहे ऑफिस में यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो, तो आपको नीट एंड क्लीन लुक ये प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल काफ़ी प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है। ड्यूरेबिलिटी वगैरह, क्वालिटी वगैरह इसकी काफ़ी सही है, जो इसके प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करती है, और इसका थर्मल सिस्टम भी ऑसम है। तो इस वजह से इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हालांकि Legion जो है फ्यूचर में अगर अपने प्राइस को कम करता है तो अच्छा तो रहेगा ही, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर भी जिस तरह की क्वालिटी ऑफर कर रहा है तो इसके प्राइस को मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो यहाँ तो आपने समझ लिया कि Asus TUF A15 और Legion 5 में से आपको कौन सा चूज़ करना है अगर आप चूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से सबसे अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस कौन सा लैपटॉप देने वाला है। इन तीनों लैपटॉप्स में से जो सबसे अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा वो देगा HP Omen 15। हालांकि उसकी जो डिस्प्ले है वो तो 60 हर्ट्ज़ की है, लेकिन उसके अंदर जो GPU है वो बहुत कैपेबल GPU लगा हुआ है। इन दोनों मतलब 1650 Ti GPU से अगर मैं 1660 Ti को कंपेयर करूँ तो सीधे ये जो है 40-42% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस लेकर के आता है, जो कि पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है और आपको इसके लिए जाना चाहिए। अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो भाई गेमिंग लैपटॉप का सोल ही होता है GPU। तो GPU अगर अच्छा होगा आपके लैपटॉप में तो आपका लैपटॉप लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा, फ्यूचर में आप उसे अच्छी तरह से यूज़ करते रह सकते हो। और Ryzen 5 CPU अच्छा खासा कैपेबल CPU है, 1660 Ti के साथ में Ryzen 5 का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्यूचर में भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा आपके लिए काम करेगा। तो यही थी मेरी फाइनल ओपिनियन इस वीडियो को लेकर, मतलब इन तीनों लैपटॉप्स को लेकर। आप तीनों में से जो भी चाहें वो लैपटॉप चूज़ कीजिए, लेकिन सबसे अच्छा लैपटॉप मैंने आपको बता दिया है, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा लैपटॉप चूज करते हैं। मैंने अपनी तरफ से अपनी कोशिश पूरी कर दी है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप में इंटरेस्टेड हैं तो तीनों ही लैपटॉप्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इनके प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।